वही उदयपुर के गोगुंदा के छाली के कई गांव में आदमखोर पैंथर का आतंक जारी है। गांव में पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और छाली गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। सेना के जवानों ने रात भर सर्च अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग के लगाए गए पिंजरों के पास पैंथर की मूवमेंट नहीं हुई है। 3 किलोमीटर के एरिया में वन विभाग के 80 जवान निगरानी रख रहे हैं और कोशिश रही है कि उस पैंथर के बारे में जानकारी मिल सके जो कि अभी तक कई जगहों पर कई लोगों को निशाना बना चुका है। तो दोबारा से ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और गोगुंदा में आदमखोर पैंथर का जो आतंक है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है और 24 घंटे में 2 लोगों को अब तक पैंथर जो है वो अपना शिकार बना चुका है। 36 घंटों में 3 लोगों को अब तक निशाना बना चुका है। तो पिछले 12 दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो 4 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। 9वीं कक्षा की 16 साल की एक छात्रा की इस दौरान मौत हो जाती है। 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें जो आदमखोर है उसका डर, उसका खौफ लोगों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो प्रभावित इलाके हैं उदयपुर के आसपास के इलाके, वहां पर तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। शाम का समय होते ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। यहां तक कि दिन के समय में भी लोग अब बहुत संभल करके अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि वन विभाग की टीम उनके साथ सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। यानी कि अगर जो पैंथर की मूवमेंट के बारे में अगर वन विभाग को पता चले तो वो उन इलाकों की तरफ इशारा कर दे, वहां के लोगों को अगर जानकारी दे दे जहां पर जिस तरफ जिस दिशा में वो पैंथर की मूवमेंट नजर आ रही है, तो उन रिहायशी इलाकों तक अगर वो जानकारी पहुंचा दी जाए तो वहां के लोग पहले से ही अलर्ट हो जाएं, पहले से ही अगर सावधान हो जाएं तो शायद किसी को निशाना ना बना पाए वो पैंथर। हालांकि दूसरी तरफ पैंथर को पकड़ने के लिए जो एक पिंजरा है वो लगा दिया गया है। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि जो पैंथर है उसको पकड़ा जा सके। लेकिन जहां एक तरफ ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जानकारी पहुंचाना कि पैंथर उनके आसपास के इलाकों में ही हैं ये बताना बड़ा जरूरी है। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, पैंथर की मूवमेंट से जुड़ी हुई क्या अपडेट है, क्या अभी तक उसको पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, अभी तक पैंथर दिखा नहीं है लेकिन उसकी दस्तक वो अपने आप में दे रहा है लगातार। जिस तरह से गत रात एक बेल को उसने शिकार बनाया था तो उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर उसने आज शाम को एक गाय को भी अपना शिकार बनाया। तो देखा जा सकता है कि दस्तक उसकी लगातार है और जहां जहां उसके मूवमेंट आ रहा है वन विभाग और प्रशासन लगातार वहां पहुंच रहे हैं और पिंजरा भी लगा रहे हैं। जिस तरह से अभी एडीएम जो गोगुंदा एडीएम है, एसडीएम है नरेश सोनी, उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि 24 घंटे हमारी तरफ से अभियान, पूरी तरह से सर्च अभियान चालू रहेगा। उसकी जो ट्रैक है मूवमेंट वो सभी तरह से देख रहे हैं लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट और मानसून का सीजन है उस वजह से वो अभी तक दिखा नहीं है। जी तो अभी अभी इसको पकड़ने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? भाई एक तो वो पिंजरा लगाया जा रहा है, उसके अलावा भी कुछ और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? जी वो पिंजरा और उसके अलावा जो आर्मी जो है, आर्मी भी वहीं पर है, आर्मी भी लगातार उस वॉच लगाए हुए अपने ड्रोन के मार्फत में। और जहां घटना हो रही है वहां पर वन विभाग के जो कर्मचारी है, 2 या 3 कर्मचारी हिडन प्लेस पर बैठे हुए ताकि उसका मूवमेंट दिखे और अन्य अधिकारियों को सूचना देकर जो ट्रैंकुलाइज स्ट्रीम है वो वहां पर पहुंच के उसको ट्रैक कर सके। अच्छा विपिन, क्या पैंथर की मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है वन विभाग को? आप क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर लोकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिले तो जिस तरफ वो जा रहा है और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं या रिहायशी इलाके हैं वहां पर अलर्ट किया जा सकता है ताकि लोगों की जान बच सके। बिल्कुल, वन विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एसडीएम की तरफ से मैसेज भी जारी किया है, अपील भी की है और सबको इस अपील को फॉरवर्ड करने की भी कहा है कि कोई भी बाहर ना निकले। और जिस तरह से मूवमेंट की बात करें तो पैंथर अपनी दस्तक पूरे जो 6 से 7 किलोमीटर का छाली ग्राम पंचायत का जो बिल्कुल अलर्ट पॉइंट है, अलर्ट पंचायत है, वहां पर पूरी तरह से उसका मूवमेंट लगातार नजर आ रहा है। और जैसे ही मूवमेंट नजर आता है टीमें वहां दौड़ पड़ती है और कार्रवाई में लग जाती है और पिंजरा भी सेटअप किया जाता है लेकिन ना तो पैंथर दिखा है और ना वो कैद में आया है। चलिए बहुत शुक्रिया विपिन इस पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है, वन विभाग के साथ मिलकर के जो पिंजरा है वो भी लगाया गया है ताकि उस पैंथर को पकड़ा जाए।